हेलो फ्रेंड्स, मैं मोतोआयरे स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में। थोड़ा मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूँ फ्रेंड। और ये बता दो, पबजी मोबाइल के अंदर आज गए जहाँ पे एक न्यू इवेंट आ चुका है, तो उसी को लेकर इस वीडियो के अंदर यहाँ पे बात करेंगे। जहाँ पे गए बता दूँ कि एक परमानेंट के लिए गए जहाँ पे आप लोग को आउटफिट मिलेगा और साथ में गए जहाँ पे और भी काफ़ी सारे रिवार्ड है जो कि यहाँ पे मिलने वाला है। तो आप लोग फ्रेंड वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा और साथ में चैनल में पहली बार आए हो जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या है, यहाँ पे देख सकते हो लकी स्क्वाड करके यहाँ पे एक न्यू इवेंट आप लोग देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे बता दूं कि 9 मार्च तक यहाँ पे चलने वाला है। और इसके अंदर में इसके लिए यहाँ पे ये जो इवेंट है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें गए यहाँ पे क्या हुआ कि जो पहला पार्ट है इसमें कुछ मिशन रहेगा जिसको कंप्लीट करना है, और जो दूसरा पार्ट रहेगा वो गए यहाँ पे आप लोग का 7 मार्च से लेकर 9 मार्च के बीच में रहेगा, जहाँ पे आप लोग बस रिवार्ड यहाँ पे कलेक्ट करना है। तो अब गए यहाँ पे आप लोग का मिशन के बारे में बात करूँ तो इसके लिए गए यहाँ पे होगा ये कि एक तो आप हो गए और साथ में गए यहाँ पे देख सकते हो 3 आप लोग को प्लस का यहाँ पे साइन दिख रहा होगा, जहाँ पे करना ये पड़ेगा इसकी आप लोग को अपने ऐसे फ्रेंड को यहाँ पे इनवाइट करना पड़ेगा जो कि यहाँ पे इस इवेंट के अंदर 300 UC गए जहाँ पे खर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए गए यहाँ पे होगा ये कि आपको गए जहाँ पे 300 UC खर्च करना ही पड़ेगा, और बाकी जो गए जहाँ पे 3 और फ्रेंड रहेगा उनको भी गए जहाँ पे 300 करके UC यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। और इसमें गए जहाँ पे क्या होगा कि कोई भी एक प्लेयर गए जहाँ पे टीम अपना क्रिएट करेगा और बाकी जो 3 फ्रेंड रहेंगे वो गए जहाँ पे देख सकते हो कोड रहेगा जिसके थ्रू गए जहाँ पे इन्वाइट के थ्रू आप लोग यहाँ पे ऐड हो सकते हो, या फिर डायरेक्ट गए जहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आप लोग यहाँ पे सेंड करके यहाँ पे ऐड हो सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि 300 UC करके यहाँ पे चारों को यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। और बाकी रही बात गाइस कि अगर आप लोग मन में ये डाउट होगा कि मान लीजिए कि मैं अकेले यहाँ पे 300 UC खर्च करता हूँ और बाकी यहाँ पे जो 3 फ्रेंड है वो यहाँ पे खर्च नहीं करता, तो ये चीज के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए गए यहाँ पे मान के चलिए कि आप लोग गए यहाँ पे चारों लोग 300 UC खर्च करते हो, तो उसके बाद गए यहाँ पे क्या होगा कि देख सकते हो गए यहाँ पे आप लोग को ये प्राइज पूल दिख रहा होगा, जिसमें गए यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ टाइम लिमिटेड के लिए रिवार्ड है, या फिर गए यहाँ पे कुछ अलग टाइप का आप लोग पॉपुलैरिटी पॉइंट दिख रहा है, या फिर गए जहाँ पे कुछ आप लोगों को कूपन या फिर गए जहाँ पे क्रिस्टल देखने को मिल रहा है। तो इसी में से गए जहाँ पे कुछ रिवार्ड है जो कि आप लोग को एक रेंडम में यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब गए जहाँ पे आप लोग मन में होगा कि क्या 300 UC में बस इतना ही मिलेगा, तो जी नहीं गए, ऐसा नहीं कि बस इतना ही मिलेगा। इसके अलावा गए जहाँ पे जैसे कि इस इवेंट का नाम है लकी स्क्वाड, तो इसमें गए जहाँ पे आपका लक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि गए जहाँ पे देख सकते हो आप लोग गए जहाँ पे जो लकी स्क्वाड लिखा हुआ है उसके ठीक नीचे में लिखा हुआ है कि आपका गए जहाँ पे ये जो 4 प्लेयर का जो यहाँ पे टीम बनेगा इसमें से गए जहाँ पे मिनिमम एक फ्रेंड को तो गए जहाँ पे कंफर्म है कि जो आउटफिट है ये गए जहाँ पे आप लोगों को परमानेंटली मिल जाएगा, यानी कि मिनिमम 4 में से एक को तो गए जहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी अगर किस्मत अच्छा रहा तो चारों लोग को गए जहाँ पे परमानेंटली मिल सकता है। यानी कि जहाँ पे थोड़ा लक फैक्टर आ जाता है कि अगर आप लोग का लक अच्छा रहा तभी जाकर गए जहाँ पे 300 UC खर्च करने के बाद आप लोग को गए जहाँ पे मिलेगा। बाकी अब गए जहाँ पे आप लोग मन में डाउट ये हो कि अगर मान लीजिए कोई भी एक प्लेयर इसमें से यहाँ पे 300 UC खर्च नहीं करता है, या फिर आप अकेले गए जहाँ पे इसके अंदर मान लीजिए पार्टिसिपेट करते हो, तो यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या? तो इसके लिए गए यहाँ पे बता दूं कि अगर आप लोग यहाँ पे अकेले पार्टिसिपेट करते हो तो देख सकते हो गए यहाँ पे कंपनसेशन गए जहाँ पे का प्राइज पुल रख दिया गया, जहाँ पे गए होगा ये कि जो आप लोग यहाँ पे 7 रिवार्ड दिख रहा है इसी में से कुछ भी एक आप लोग को यहाँ पे रेंडम में रिवार्ड मिल जाएगा। तो लिटरली गए जहाँ पे बोल सकते हो कि ये जो इवेंट है ये काफ़ी ज़्यादा गए जहाँ पे बेकार है, तो इसलिए गाइस मैं सोचा कि वीडियो बना के आप लोग बता देता हूँ, ताकि अगर आप लोग यहाँ पे गलती से यूसी खर्च कर दिए और उसके बाद गए जहाँ पे बाद में आगे जाकर पछताना ना पड़े, तो इसी कारण से गाइस मैं सोचा कि चलिए एक डिटेल वीडियो बना के आप लोग बता देता हूँ कि यहाँ पे आप लोग को यूसी खर्च करना चाहिए या फिर नहीं। और साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि अगर आप लोग यूसी खर्च करते हो तो एक भी यूसी गाइस यहाँ पे आप लोग को वापस नहीं मिलेगा। और बाकी देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये जो इवेंट है ये आप लोग को यहाँ पे टर्की रीजन और साथ में गए जहाँ पे रसिया रीजन के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बस गए यही था जो कि इस वीडियो के अंदर आप लोग बताना था। बाकी इसके अलावा कुछ भी डाउट रह गया हो तो आप लोग चाहो तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।